बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए नहीं देते कि सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से उनके पास दोस्त और सब अदर लोग आते रहते हैं, और परिवार रहता है, उसकी पत्नी हो या बहन हो, तो वो 10 बार सोचता कैसे लोगों को बुलाना चाहिए। मैं खुद पूछती हूँ लोगों से कि आपके साथ कौन कौन है, भैया बताइए, बेटियां जो आती हैं या लेडीज आती हैं, तो आप अपने पति से अलग क्यों रहती हैं? हाँ, ये भी सवाल है। कई लोग ये कहते हैं कि कुंवारी बेटियों को मकान दे दिया जाता है लेकिन बेटों को नहीं दिया जाता। नहीं, उनको नहीं दिया जाता, और शादी वाली बेटियां भी पति से अलग रह रही, तो उसका भी कारण पूछते कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं, किसी ने दूसरी शादी कर ली, कोई खाता पीता है, नशा करता, तो कई चीजें होती है वो ध्यान में रखना पड़ता किराए पे। तो मेरे खुद 2 पोर्शन खाली पड़ रहे, तो मैं भी ये सवाल पूछती हूँ। एक तो ये रहता है कि उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते वो, कि उनके भी दोस्त यारी आएंगे, उनके लोग आएंगे, तो उससे उनके घर का वातावरण बिगड़ सकता है। दूसरा जो है, आजकल के बच्चों में लोग जो वृद्ध लोग हैं वो इतने विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये जब कहेंगे खाली कर दो तो करेगा कि नहीं करेगा, या इनके 4 दोस्त आके दारू ना पीने लगे या वो ना करने लगे। घर गृहस्थी वाले के संग ये समस्या नहीं रहती है, थोड़ा एक विश्वास लोगों को बना रहता है, या फिर उसके कोई FG हो, उसके कोई वो हो, रिश्तेदार हो जो उसकी गारंटी ले ले, तो आदमी दे देता है फिर थोड़ा, भाई ये जो हमारे मित्र हैं इनके कहने से दे दे रहा है, फिर इनके कहने से ये खाली भी कर देगा। जो बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार तो है नहीं, अब उनके संस्कार है कि रात को 12-2 बजे तक बैठ के मान लो हमें वो देखना है, वो चलाना है, टीवी चलाना है, सवेरे देर तक सो के उठना है, और मालूम पड़ा कि 2 दोस्त लेके आ गए और उनने कोई प्लान बनाया, हमने ही अपने घर में किराया ऐसे देंगे हम, तो हम बच्चों वालों को देते क्यों नहीं देंगे भाई, कि वो अकेला आदमी है, पता नहीं कैसा है, क्या पता कैसा है, तो हमें उसके प्रति थोड़ा सा सचेत रहना। आज के युग के अनुसार आदमी थोड़ा डरने लगा, लोग जो है गलत धारणाएँ करते हैं, और नए बच्चे पता नहीं किस बातों में आ जाए, किसकी बातों में आ जाए, और कुछ कर बैठे, तो इसलिए आदमी डरता है। हम भी है, हमारा इतना बड़ा मकान है, हम नहीं देते किराए से, हम देते हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं, हम देते हैं कि मान लो कोई बाल बच्चे वाला है और वो भी नौकरी वाला होगा तो देंगे। तो समाज को यहाँ पर थोड़ा सा ये दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उससे बहुत लोग झूठा व्यवहार भी कर रहे हैं, कि आजकल ये देखने को आ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में मकान मालिक को जाकर बताते हैं कि मैं पति पत्नी हूँ और रहते भी हैं, और वहीं से शुरू होता है लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप ये एक पश्चिमी सभ्यता है, ये अपने देश की ये सभ्यता नहीं है, ना अपने यहाँ पर इस तरीके की हम रीतियों को बढ़ावा देते हैं। हमारे यहाँ एक संबंध होता है जिसको एक समाज चुनता है, पति पत्नी का संबंध बनाता है, और फिर आप बच्चे पैदा कीजिए और साथ में रहिए, और एक जन्म की बात नहीं होती है, अपने यहाँ तो 7 जन्मों की बात होती है कि आप 7 जन्मों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहिए। तो यहाँ हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि कुंवारों का कोई दोष नहीं है, लेकिन कुंवारे जहाँ पर भी रहें वो अपनी मर्यादित अनुशासन का ध्यान रखें। तो आज जैसा माहौल हो रहा है, कुछ तो टीवी ने बिगाड़ रखा है, कुछ फिल्मों ने, जो वो देखते हैं तो वो थोड़ा सा पब्लिक जो रहता है घरधारी, उसको ये डर लगता है कि अब इसका हमको ज़्यादा बारे में पता नहीं है, बाहर से आया है, अब इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या है, सच में ये पढ़ने वगैरह नौकरी करने आए हैं या गलत धंधे में ना फर्ज पड़ जाएं, इसलिए वो फिर देने से इनकार करते हैं। कई बार ये भी होता है कोई लड़के आए, अब आपके घर में लड़कियाँ भी हैं, तो माँ बाप को ये भी लगता है कि कल को कल कुछ और ना किससे हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी की निगाह भी रहती है कि इनके इधर कौन रह रहा है, तो वो भी थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ऐसा है, तो आदमी सोचते कि नहीं नहीं मैं तो फैमिली वाले को ही दूंगा। मैं तो फैमिली वाले से क्या ये भरोसा किया जा सकता कि वो गड़बड़ नहीं करेगा? कुछ परसेंटेज कम हो जाती फैमिली वाले के साथ ना, उसकी फैमिली रहती है तो वो कुछ कितना ही गलत भी होगा तो भी कुछ उस परसेंट से तो कम सही होएगा। देखिए ऐसा तो नहीं है कि बोलते हैं लोग कि हम फैमिली वालों को देंगे, हम अनमैरिड को नहीं देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे लोग और बल्कि ध्यान रखते हैं, फैमिली का भी ध्यान रख लेते हैं, हम लोग उनसे उम्मीद भी कर लेते हैं कि हमारा काम भी कर देते हैं छोटा मोटा, क्योंकि वो बच्चे हैं। जो फैमिली वाले होते हैं तो वो फैमिली वाले वो नहीं सुनते हैं, जबकि उनको ये लगता है ना कि ये अनमैरिड लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुरापात करें, कोई बदमाशी कर दें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन जो बच्चे लेने आते हैं उनको ज़रूर देना चाहिए,
और वो बदमाशी नहीं करते हैं, बल्कि फैमिली वाले को तो चाहे एक बार इग्नोर कर दो, लेकिन बच्चों को जरूर देना चाहिए। अच्छा, इसका उल्टा एक और पहलू है जी। वो पहलू ये है कि अगर कुंवारी लड़कियां पहुंच जाती हैं किराए के मकान मांगने के लिए तो फट से दे दिया जाता है, तो क्या उन पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है? अब भरोसा बहुत टिपिकल आपका क्वेश्चन है, भरोसा तो बच्चों में करना ही चाहिए और उनमें बल्कि लड़कियों के लिए देखरेख ज़्यादा करनी पड़ती है लड़कों की अपेक्षा, कि वो देर में आ रही हैं, कि कितने टाइम आ रही है, कुछ जिम्मेदारी हो जाती है, लड़कों में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। और अगर लड़कियों को हम लोग किराए से देते हैं तो बिल्कुल 100% उनकी जिम्मेदारी के साथ टाइम बाउंडेशन भी लगाते हैं कि आप इतने टाइम तक आएंगे, लड़कों में कोई टाइम नहीं होता है, कितने टाइम दिया जाए कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन लड़कियों को रूम दे करके पूरी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है जैसे कि पेरेंट्स उठाते हैं। हिंदुस्तान में सोच ऐसी है कि कुंवारे लोग जो होते हैं वो शरारती ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि शादीशुदा हैं और थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। तो आज जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने वो दूर से, तो हर कोई तो कुंवारा मतलब मैक्सिमम कुंवारे ही आते हैं, लेकिन जो आज भी हमारे घर में जैसे कोई आता है किराएदार तो सबसे पहले सवाल होता है कि आप शादीशुदा हैं या आप कुंवारे हैं। तो शादीशुदा होता है तो अपन पहले प्रेफरेंस देते हैं उसको, कुंवारे के लिए 2 मिनट सोचते हैं। तो ये एक अभी टाइम चेंज हो रहा है थोड़ा, इनको अपन को सबको सोचना चाहिए और हर कोई एक सा होता नहीं है, तो 100 में से 2 कुंवारे जैसे शैतान निकल जाते हैं, बाकी 98 सबको भुगतना पड़ता है, खामियाजा उसकी वजह से सबको भुगतना। अच्छा, इसका दूसरा चरण भी है कि कुंवारी लड़कियों को देने में ज़्यादा गुरेज नहीं करते लोग, क्यों? लड़कियों को लोग आज कल मतलब सीधा समझते हैं कि लड़कियां थोड़ी सीधी रहती हैं और होती हैं सीधी। अब सुना है ऐसा कि ज़्यादा शरारती लड़कियां होती हैं लड़कों से लेकिन उनको ये प्रवेश मिल जाता है लड़की होने का फायदा। जैसे लड़के जो कुंवारे होते हैं वो उन लोग की क्या है, एक बैचलर्स लाइफ कुछ अलग होती है हट के, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक अगर हम बाहर हैं तो आराम से हमें अगर कुछ भी करना है, पीना है या दोस्त को बुलाना है साथ में, तो वो लोग वैसे करते हैं। जो कि क्या है कि किसी के घर में अगर हम करेंगे ऐसा तो वो गलत है, वो बंदे को तो गलत ही लगेगा उसके सामने। तो एक मुझे जो फील हुआ है वो यही चीज़ है कि ऐसे किसी के घर में एज अ मतलब लैंडलॉर्ड जो होगा वो मना ये इसीलिए करता है कि बंदों को बुला लिया, काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल और भी उठता है, अगर कुंवारी लड़की मकान मांगने जाए तो उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है? हाँ, ऐसा क्यों? उन्हें इसलिए कि वो मतलब लड़कियों के संग ये है कि वो सीधी है, कि मतलब एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्हें अगर कॉलेज जाना है कॉलेज से सीधा घर, उसके बाद उनको कोई ऐसा बाहर नहीं निकलना। लड़कों का क्या है कि वो बाहर जाना भी पसंद करते हैं, फिर आएंगे जो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई बंदा है वो घर में ही सिगरेट पी रहा है तो वो सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें देख के, क्योंकि लड़कियां क्या है मोस्टली शरीफ होती हैं, अनुशासित रहती हैं। लड़के लेकिन क्या है कि हर तरह के होते हैं, तो वो इस ये रीज़न भी होता है कि हर कोई देता नहीं है ऐसे किराए पे उनको। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।